दोस्तों, म्यूजिक और डांस की दुनिया के बादशाह माइकल जैक्सन का नाम तो बहरों ने भी सुना होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो माइकल जैक्सन का फैन नहीं होगा। कहते हैं माइकल जैक्सन में ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी को बुरी लगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद माइकल जैक्सन अपने फैंस को जिस तरह से ट्रीट करते थे, मानो कि कोई पुराना यार मिल गया हो। स्टेज पर परफॉर्मेंस हो या फिर रास्ते में कहीं से गुजरना हो, कोई भी फैन माइकल जैक्सन के पास आता तो उसे बिना गले मिले वो नहीं जाने देते। दोस्तों, उनमें बात ही कुछ ऐसी थी। उनके कॉन्सर्ट्स के दौरान लोग उन्हें देख बेहोश हो जाते थे। जब माइकल जैक्सन हिप हॉप डांस और मून वॉक करते थे तो ग्रेविटी भी उन्हें इफेक्ट नहीं करती थी। शायद दुनिया में वही एक ऐसे इंसान थे जो ग्रेविटी को भी मात दे सकते थे। और ना सिर्फ डांसिंग, म्यूजिक की दुनिया में भी उन्हें बादशाह का टैग मिला हुआ है। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हर साल दुनिया भर में एक सबसे अच्छे गाने को ग्रैमी अवार्ड मिलता है, और यही ग्रैमी अवार्ड माइकल जैक्सन को 13 बार मिले थे। दोस्तों, माइकल जैक्सन का सबसे फेमस एल्बम थ्रिलर है, और आपने कभी ना कभी उसे जरूर सुना होगा, और उसके दीवाने भी होंगे। जब यह एल्बम 1982 में रिलीज हुआ था तो 65 मिलियन कॉपी के साथ ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया था। सिर्फ इसी एल्बम के लिए माइकल जैक्सन को 7 ग्रैमी अवार्ड और 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स मिले। माइकल जैक्सन डांस और सिंगिंग के लिए अपने टाइम के दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी तो थे ही, साथ में उनकी पर्सनैलिटी, फैशन डिजाइनिंग, हेयर स्टाइल, लोग उनकी तरह जैकेट, उनकी तरह हेयर स्टाइल और उनकी तरह टोपी पहनकर खुद को माइकल जैक्सन का फैन बताकर गर्व महसूस करते थे। दोस्तों, माइकल जैक्सन की जिंदगी के बारे में अगर बताना शुरू करें तो ये वाकई में अद्भुत है, तो कभी इसका जिक्र खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए आज हम उनकी जिंदगी के बारे में नहीं बल्कि उनकी मौत के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से माइकल जैक्सन की जिंदगी की कहानी सुर्खियों में रही, उसी तरह से उनकी मौत की कहानी भी काफी सुर्खियों में रही। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन जैसे लेजेंडरी, जिन्हें जीने का इतना शौक था, उनकी जिंदगी सिर्फ 50 सालों में कैसे खत्म हो गई। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई। दोस्तों, माइकल जैक्सन का जन्म 1958 में 29 अगस्त को अमेरिका के गैरी नाम के शहर में हुआ था। माइकल जैक्सन की माँ का नाम कैथरीन जैक्सन और पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था। उनकी माँ को म्यूजिक का बड़ा शौक था और वो म्यूजिक बजाया भी करती थी। तो वहीं उनके पिता यूएस की एक स्टील कंपनी में काम करते थे, मगर उनको भी म्यूजिक का बड़ा शौक था। वो एक लोकल म्यूजिक बैंड फैल्कन का हिस्सा भी थे। माइकल जैक्सन अपने 5 भाई और 3 बहनों के साथ बड़े हुए, जिनमें से माइकल जैक्सन अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। बचपन से ही उनको म्यूजिक का माहौल मिला और उनके दिल में भी म्यूजिक के लिए एक अलग ही जगह बन गई। दोस्तों, माइकल जैक्सन का फेशियल स्ट्रक्चर और उनकी नाक आम लोगों से थोड़ी सी अलग थी, जिस कारण से उनके पिता उनको बहुत डिग्रेड किया करते थे। बात बात पर उनको नीचा दिखाते और उन्हें लोगों से छिपकर रहने को कहते थे। माइकल जैक्सन अपने पिता से काफी डरते थे जब वो बहुत ही छोटे थे और खुद को कमजोर महसूस करते थे। तब अक्सर ही उनके पिता आकर उन पर चिल्लाते और उन्हें टॉर्चर किया करते थे। उनके डर से माइकल जैक्सन की तबीयत बिगड़ जाती थी। दोस्तों, माइकल जैक्सन जब बहुत ही छोटे थे तभी उनके भाइयों ने खुद का एक म्यूजिक बैंड बनाया था जिसका नाम जैक्सन ब्रदर्स था। फिर महज 5 साल की उम्र में ही माइकल जैक्सन भी उस बैंड का हिस्सा बन गए और उस बैंड का नाम जैक्सन 5 रख दिया। 1968 में जैक्सन 5 बांध में गाना निकाला जो कि काफी फेमस है। उसके बाद 1970 में उनका एक और गाना आया जो कि बिलबोर्ड 100 हॉट लिस्ट में शामिल हो गया, और तब माइकल जैक्सन केवल 11 साल के ही थे और तभी वो पूरी दुनिया में छा गए। जैक्सन परिवार अब कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो चुका था, अब उनके पास काफी पैसे थे, और तभी 1979 में माइकल जैक्सन का पहला सोलो एल्बम द वॉल आया। दोस्तों, इन सभी एल्बम्स के दौरान माइकल जैक्सन के हेयर स्टाइल और उनकी हैट दुनिया भर में छा गई, मगर इस हैट और बड़े बाल के पीछे उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले पिता का बहुत बड़ा रोल था। दरअसल जब माइकल जैक्सन छोटे थे तभी से उनके पिताजी उनको बड़े बाल और टोपी पहनने को कहते थे ताकि माइकल जैक्सन का चेहरा लोगों को ना दिखे। उनकी नजर में माइकल जैक्सन की शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसे वो छुपा कर रखना चाहते थे। मगर दोस्तों, उनको कहां पता था कि चेहरे से किसी की पहचान नहीं बल्कि अंदर के टैलेंट और जुनून से पहचान की जाती है। दुनिया ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और वो दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन गए। दोस्तों, माइकल जैक्सन के पास दौलत, शोहरत और लोगों के प्यार की कमी नहीं थी। अब अगर उनको कुछ चाहिए था तो वो वक्त था। वो अपनी जिंदगी के खुशियों के पल को और जीना चाहते थे। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को लंबी बनाने के लिए उन्होंने लाख कोशिशें भी की,
मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, माइकल जैक्सन हेल्दी लाइफ पाने के लिए काफी मेहनत करते थे। उनके अंडर बड़े बड़े डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट्स काम किया करते थे। वो हर रोज 2 घंटे तक ऑक्सीजन ट्यूब थेरेपी में रहते थे, साथ ही फुल डाइट पर उनका खाना चलता था। दोस्तों, शुरुआत से लेकर सेलिब्रिटी बनने तक के सफर में आपने माइकल जैक्सन के चेहरे पर काफी बदलाव देखे होंगे। जिस शक्ल के लिए उनके पिता उनकी लाइफ को डिग्रेड किया करते थे, उनके मन में वो चीज इनसिक्योरिटी बनके जन्म ले चुकी थी। और इसीलिए सेलिब्रिटी बनने के बाद जब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, तब उन्होंने कई बार अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा सर्जरी माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे पर करवाई थी, मगर ये सर्जरी इतनी आसान नहीं थी। सर्जरी की वजह से उनके चेहरे का रंग ब्लैक से बिल्कुल वाइट हो गया था और उनका फेशियल स्ट्रक्चर एक प्लास्टिक से बने गुड्डे के समान दिखने लगा था। अब वो आम लोगों से बिल्कुल ही अलग दिखते थे, इसीलिए अपने चेहरे को हैट और मास्क से हमेशा छुपाए रहते थे। दोस्तों, यही सर्जरी उनकी मौत की वजह बनी। जब भी उनकी सर्जरी होती थी तो उनको असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता था। उस दर्द से आराम पाने के लिए उनके डॉक्टर उनको पेन किलर्स देते थे और यही पेन किलर्स उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। इतनी ज्यादा अमाउंट में पेन किलर्स उनकी बॉडी में जा चुकी थी कि अब सारी हड्डियां कमजोर पड़ गई थीं, जिस वजह से उनको और भी ज्यादा दर्द होता था। एक अनुमान के हिसाब से बताया गया था कि एक साथ हजारों कीड़ों के काटने से जो दर्द होगा, उसी दर्द से माइकल जैक्सन को हर समय गुजरना पड़ता था। बाहर से दिखने में उनकी जिंदगी जितनी खुशहाल थी, अंदर से वो उतनी ही गमगीन थी। विडंबना तो यह है कि जिस शख्स को जिंदगी जीने का शौक था, उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरती जा रही थी और मौत के करीब आ रही थी। दोस्तों, अचानक से जब 2009 में 26 जून को माइकल जैक्सन के मरने की खबर आई, तो दुनिया भर के लोग पागल हो उठे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही गूगल में 8 लाख से भी ज्यादा सर्च माइकल जैक्सन की डेथ को लेकर हुए थे। दुनिया भर से गूगल पर इतने सर्च आ रहे थे कि पूरा सर्च इंजन ही क्रैश हो गया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 26 जून से पहले माइकल जैक्सन बिल्कुल खुश नजर आ रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और अगले दिन होने वाले कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल रोज की तरह ही था। रात में सबसे बात करते हुए वो हंसते हुए रूम में सोने गए थे, मगर अगले दिन जब सुबह उनको उठने में देरी हुई तो उनके सर्वेंट्स डर गए, और जब कमरे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वर्कर्स कमरे के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही देखा कि माइकल जैक्सन लेटे हुए हैं, मगर उनकी सांस नहीं चल रही है, और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। अब उनकी मौत का कारण क्या था, ये जानना दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय बात बन गई थी। पुलिस सबसे पहले उनके डॉक्टर से बात करने लगी, और तभी उनके चीफ डॉक्टर से ये पता चला कि माइकल जैक्सन को जब भी बेजोड़ दर्द होता था तो वो उनको पेन किलर्स खाने के लिए कह देते थे, क्योंकि वो दर्द सहने के लायक नहीं होता था। माइकल दर्द से छटपटाने लगते थे और तड़पने लगते थे। दर्द की यही दवाइयां उन्होंने मरने के एक दिन पहले भी खाई थी, जिसका रिएक्शन या यूं कहें कि अंदर से खोखला हो रहा उनका जिस्म उस दिन सह नहीं पाया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, माइकल जैक्सन की जिंदगी में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। 2003 में उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन पर बात आ गई थी और उनको 2 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था। ऐसा होने के बाद दुनिया भर में माइकल जैक्सन के बारे में बुरी बातें होने लगी थी, और इस बात का माइकल जैक्सन के माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ा था। दुनिया भर में उनके फैंस का दिल टूट गया था, मगर दोस्तों, उनके चाहने वालों की संख्या में कमी नहीं हुई और ना ही कभी हो सकती है। आज भी माइकल जैक्सन को लोग गॉड मानते हैं और डांसर्स तो उनकी पूजा करते हैं। माइकल जैक्सन की मौत भले ही 2009 में हो गई, मगर उनका नाम जिंदगी भर लोगों की जुबान पर आता रहेगा। उनकी यादें और उनका इस दुनिया में योगदान उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेगा। तो दोस्तों, ये थी माइकल जैक्सन की जिंदगी से लेकर मौत की दास्तान। माइकल जैक्सन की जिंदगी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।